हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और ये एक होम थिएटर का किट है और इस किट में देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक SMPS पावर सप्लाई बना हुआ है। आमतौर पर ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है जो होम थिएटर होते हैं, लेकिन इसमें जो है SMPS पावर सप्लाई लगाया गया है। और SMPS पावर सप्लाई किस प्रकार से काम करता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और किस प्रकार से उसकी हम लोग रिपेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक SM ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया है और इसके अलावा यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर एक MOSFET का प्रयोग किया गया है और MOSFET को पल्स देने के लिए यहाँ पर एक IC का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर, ब्रिज रेक्टिफिकेशन में 4 डायोड लगाए गए हैं जो कि AC को DC में बदलने का काम करते हैं। यहाँ पर लाइन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया है और इसके अलावा यहाँ देखेंगे कि आपका एक जो है फ्यूज लगाया गया है और यहाँ पर जो है AC सॉकेट बना हुआ है। तो किस प्रकार से इसके पावर सप्लाई को हम लोग रिपेयरिंग करेंगे, कैसे समझेंगे कि पावर सप्लाई सही है या ख़राब है, क्योंकि जो जितने भी होम थिएटर होते हैं उसकी पावर सप्लाई का आउटपुट सेक्शन कुछ अलग ढंग का बना होता है, तो इसलिए उसको समझना जो है थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसका पावर सप्लाई को हम लोग रिपेयरिंग करेंगे, कैसे समझेंगे कि पावर सप्लाई में ख़राबी है या नहीं है, और अगर है तो कहाँ की ख़राबी है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। हाँ, तो यहाँ देखेंगे कि 220 वोल्ट की AC सप्लाई सबसे पहले यहाँ देते हैं। यहाँ पर हम लोग 220 वोल्ट की AC सप्लाई की जांच करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सप्लाई दे रहे हैं और सप्लाई देने के बाद में यहाँ पर 220 वोल्ट AC की जांच करेंगे। तो मल्टीमीटर को थोड़ा सा ऐसा इस पोजीशन में करते हुए यहाँ देखेंगे कि 220 वोल्ट AC की सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर लगभग जो है 219 के आसपास की वोल्टेज जो है 19-20 के आसपास जो है सप्लाई जो है प्राप्त हो रही है। प्राप्त सप्लाई पर मिलने का मतलब है कि हमारा जो है AC जो सप्लाई आता है AC कोड के द्वारा, और यहाँ पर देखिए AC कोड के द्वारा और ऑन ऑफ स्विच के द्वारा जो यहाँ तक जो है पहुँच रहा है। जब यहाँ पर 220 वोल्ट की AC सप्लाई मिल जाए तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या यह सप्लाई इस पावर सप्लाई में सही रूप से जो है जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि इसका जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो विभाग है वो विभाग जो है इसका AC to DC कन्वर्टर स्टेज है। तो यहाँ पर हमको जांच करना है कि क्या AC to DC कन्वर्टर स्टेज सही है कि नहीं है, क्योंकि AC to DC कन्वर्टर स्टेज का पहला काम यह होता है कि 220 वोल्ट की जो AC सप्लाई यहाँ देते हैं वो सप्लाई को DC में बदलना होता है। तो देखेंगे कि यहाँ की सप्लाई जो है यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ और एक सप्लाई ऐसे होते हुए यहाँ मिलना चाहिए, क्योंकि यह लाइन जो है एक ही लाइन है तो यहाँ पर मिलना चाहिए। जब यहाँ पर सप्लाई मिल जाए तो यहाँ से यहाँ एक फ्यूज लगा होता है, फ्यूज के द्वारा वो 220 वोल्ट AC सप्लाई हमको यहाँ प्राप्त होनी चाहिए। अगर यहाँ सप्लाई मिले और यहाँ नहीं मिले तो ये मानेंगे कि यहाँ से यहाँ लगा हुआ फ्यूज हमारा ख़राब है। तो आइए, एक सप्लाई तो यहाँ पर ऐसे होते हुए यहाँ प्राप्त हुआ और दूसरा सप्लाई यहाँ से यहाँ मिलना चाहिए। अगर यहाँ मिले और यहाँ नहीं मिले तो ये मानेंगे कि फ्यूज ख़राब है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 220 वोल्ट की सप्लाई लगभग मिल रही है। अब यही सप्लाई ऐसे होते हुए इस ट्रे को पकड़े हुए ऐसे होते हुए यहाँ चले, यहाँ पर हमको सप्लाई जो अगर प्राप्त हो जाए तो ये मानेंगे कि यहाँ से लगा होगा AC कोड, AC फ्यूज और ये ट्रैक बिल्कुल ओके है, सही है। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक लाइन ट्रांसफार्मर लगा होता है। लाइन ट्रांसफार्मर का ये इनपुट है और ये आउटपुट है। इनपुट पर सप्लाई मिले तो वही सप्लाई आउटपुट पर मिलना चाहिए। तो आउटपुट पर भी मिल रहा है, अगर इनपुट पर मिले आउटपुट पर नहीं मिले तो मानेंगे कि लाइन ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब हो गया है। अब यहाँ पर मिला, इसके बाद देखेंगे कि यहाँ से 4 डायोड लगे हुए हैं। इसमें देखेंगे इसके निचले हिस्से में कि 4 डायोड लगे हुए हैं। तो 4 डायोड के द्वारा वो AC वोल्ट को DC में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। तो अब हम लोग को DC जांच करना है, तो मल्टीमीटर को DC वोल्ट के रेंज में फिट कर देंगे। तो यहाँ पर लगभग जो है 250 से 300 वोल्ट की DC सप्लाई प्राप्त होगी, तो यहाँ पर फिट कर देंगे। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर एक फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगा हुआ, जो कि पावर सप्लाई में लगा हुआ सबसे बड़ा कैपेसिटर होता है, या जो हम लोग समझेंगे कि जो है पावर सप्लाई जो भी बना होता है उसमें सबसे बड़ा जो कैपेसिटर जहाँ भी लगा हो वही समझिए कि वहाँ पर हमको वोल्टेज मिलना चाहिए लगभग 250 से 300 वोल्ट। अगर मिल जाए तो ये मानेंगे कि AC to DC कन्वर्टर स्टेज बिल्कुल सही है। तो अब देखेंगे कि क्या यहाँ पर सप्लाई हमको प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी जाँच करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इस कैपेसिटर जो यहाँ पर लगा हुआ है इसके निचले हिस्से में देखेंगे कैपेसिटर लगा हुआ, कैपेसिटर का किधर नेगेटिव है किधर पॉजिटिव है उसकी पहले हम लोग देख लेंगे और उसके बाद यहाँ पर जांच करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये जो है पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो यहाँ चेक कर रहे हैं कि वोल्टेज मिलना स्टार्ट हुआ है, ये वोल्टेज मिल रहा है। वोल्टेज मिलने का मतलब है कि आपका जो है ये डायोड चारों डायोड बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, AC वोल्ट को DC में कन्वर्ट कर दिए हैं, बदल दिए हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर DC वोल्ट हमको प्राप्त हो गई। अब ये DC वोल्ट की सप्लाई में पॉजिटिव सप्लाई देखेंगे
कि यहाँ पर निगेटिव पर मल्टीमीटर के काला तार को अभी परमानेंट रखेंगे और पॉजिटिव देखेंगे कि पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से ऐसे होते हुए स्ट्रिक को पकड़े हुए ऐसे सीधे जो है इसे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के एक सिरे को वोल्टेज देते हैं, और प्राइमरी का जो दूसरा सिरा होता है उसको फ्रीक्वेंसी दिया जाता है। जैसे ही इसको फ्रीक्वेंसी देंगे तो ये जो है ट्रांसफार्मर अपने सेकेंडरी से विभिन्न मान का वोल्टेज बाहर निकालेगा। इसको फ्रीक्वेंसी देने के लिए यहाँ पर तो वोल्टेज दे दिए, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देने के लिए क्या है, तो यहाँ पर एक मॉस्फेट लगा हुआ है और यहाँ पर एक आईसी लगा हुआ है, ये दोनों मिल करके इसको फ्रीक्वेंसी देने का काम करते हैं। जब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जैसे ही मिलेगा तो इसके बाद जो है हमारा विभिन्न प्रकार का वोल्टेज आउट होगा। तो आइए थोड़ा सा इसको सप्लाई को काट करके जो है सबसे पहले हम लोग इस मॉस्फेट के बारे में और यहाँ पर लगा हुआ आईसी के बारे में समझते हैं कि यह किस प्रकार से ये जो है मॉस्फेट और आईसी जो है काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से इसको सप्लाई जो है प्राप्त हो रही है। फ्रीक्वेंसी देने के लिए यहाँ पर एक मॉस्फेट लगा हुआ है और मॉस्फेट जो है इसका यहाँ पर यह गेट है, यह ड्रेन है और यह सोर्स है। गेट को गेटिंग पल्स यहाँ से, यहाँ पर जो आईसी लगा हुआ है इस आईसी के द्वारा गेटिंग पल्स मिलेगा गेट को, ड्रेन के द्वारा शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी आउट होता है और यहाँ पर जो आपका जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसके प्राइमरी के एक सिरे को फ्रीक्वेंसी देते हैं, शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी देते हैं और दूसरे सिरे को वोल्टेज देते हैं, तो विभिन्न मान का वोल्टेज बाहर निकलेगा। जबकि इसका सोर्स जो है वो निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है, तो यह देखेंगे कि यहाँ से यह निगेटिव लाइन है, निगेटिव लाइन से यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा होता है और रेजिस्टेंस के द्वारा इसका जो सोर्स है वो निगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है। तो आइए इसको कंटिन्यूटी करने में डाल करके चेक करते हैं कि क्या ये जो है निगेटिव लाइन है। अभी थोड़ा देर पहले मिला कि ये निगेटिव लाइन है, तो ये निगेटिव लाइन से यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस के द्वारा इसको कंटिन्यूटी बतानी चाहिए। बताने का मतलब है कि यहाँ से रेजिस्टेंस आपका ओके है, सही है और यह जो है आपको निगेटिव सप्लाई इसके सोर्स को प्राप्त हो रहा है, तो सोर्स को निगेटिव मिल गया। इसके बाद पॉजिटिव देंगे ड्रेन को, तो ड्रेन को पॉजिटिव कहाँ से मिलता है, तो जो पॉजिटिव सप्लाई जो ट्रांसफार्मर में देते हैं, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को देते हैं पॉजिटिव सप्लाई, वही कॉइल के द्वारा ऐसे होते हुए जो है आपको चला जाता है कहाँ, तो इस मॉस्फेट के ड्रेन को। और गेट को गेटिंग पल्स जो यहाँ पर मॉस्फेट लगा हुआ है इसके गेट को गेटिंग पल्स देने के लिए यहाँ पर आईसी लगा हुआ है। तो पहले आईसी के बारे में भी हम लोग समझते हैं कि आईसी कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आईसी का पिन नंबर एक स्टार्ट होता है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल मिलाकर इस आईसी में 8 पिन बने हुए हैं। जो 8 पिन बने हुए हैं तो इसमें देखते हैं कि 1 2 3 नंबर जो है एनसी है, खाली है, इसमें इसका कोई कनेक्शन नहीं किया गया, नो कनेक्शन एनसी। इसके बाद 3 के बाद 4 5 6, तो 3 और जो 6 नंबर जो पिन है वो खाली है, इसका कनेक्शन जो है नहीं होता है, जो है इनका प्रयोग नहीं किया जाता। तो 3 और 6 को जो है ये समझे कि इसका जो है कोई कनेक्शन नहीं होता है, एनसी होते हैं। इसके बाद है आईसी का पिन नंबर है 1 के बारे में पहले समझते हैं। 1 तो 1 जो होता है, 1 जो है आईसी का आउटपुट पिन होता है, 1 से गेटिंग पल्स निकलता है और वह गेटिंग पल्स निकल करके यहाँ पर जो मॉस्फेट लगा उसके गेट को चला जाता है। तो देखिएगा कि यहाँ से ऐसे होते हुए यह ट्रैक ऐसे होते हुए या ऐसे होते हुए यह ट्रैक यहाँ आया है, यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस के द्वारा इसके गेट को गेटिंग पल्स, जो यहाँ पर मॉस्फेट लगा हुआ है गेट को गेटिंग पल्स कहाँ से मिलेगा, तो इस आईसी के पिन नंबर 1 जो कि आउटपुट पिन है और यहाँ से निकलने वाला गेटिंग पल्स यहाँ आता है। तो देखेंगे कि पिन नंबर 1 यहाँ पर पिन नंबर यह 1 है आईसी का, तो यह 1 से निकलने वाला गेटिंग पल्स देखिएगा कि यहाँ आएगा, यहाँ पर प्राप्त होगा और यही गेटिंग पल्स जो है यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस के द्वारा सीधे चला जाएगा कहाँ पर, तो इस मॉस्फेट के गेट को गेटिंग पल्स। तो आईसी का पिन नंबर 1 के बारे में समझे कि 1 जो है इस आईसी का आउटपुट पिन होता है और वहाँ से गेटिंग पल्स निकलता है और वह गेटिंग पल्स निकल करके इसके मॉस्फेट को जाएगा ताकि मॉस्फेट को जो है गेटिंग पल्स मिले। जब गेटिंग पल्स मिलेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी मिलेगा, तो उस स्थिति में यहाँ से इसके ड्रेन से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर वोल्टेज देंगे तो विभिन्न मान का वोल्टेज बाहर आउट होगा। इसके बाद देखेंगे पिन नंबर 2, इस आईसी का पिन नंबर 2 जो होता है उसको स्टार्टिंग वोल्ट देते हैं। आईसी को काम करने के लिए स्टार्टिंग वोल्ट देना होता है, अगर आईसी के काम करने के लिए स्टार्टिंग वोल्ट नहीं दीजिएगा तो उस स्थिति में ये आपका आईसी जो है काम नहीं करेगा। इसको काम करने के लिए स्टार्टिंग वोल्ट देते हैं, तो स्टार्टिंग वोल्ट कहाँ से देते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि यह जो है 300 वोल्ट का पॉजिटिव लाइन है, 300 वोल्ट के पॉजिटिव लाइन से यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा होता है हाई वैल्यू का, एक रेजिस्टेंस के द्वारा 300 वोल्ट के जो है आपको लाइन से यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस के द्वारा ये पिन नंबर 2 से
चला जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो है पिन नंबर दो यहाँ आया, यहाँ से एक रेजिस्टेंस के द्वारा, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस के द्वारा 300 वोल्ट के पॉजिटिव लाइन से पिन नंबर दो जुड़ा होता है। तो पिन नंबर दो के बारे में भी समझ गए कि पिन नंबर दो को स्टार्टिंग वोल्ट दिया जाता है। तीन के बारे में जानते हैं कि तीन खाली होता है। इसके बाद पिन नंबर चार है, पिन नंबर चार के बारे में जानेंगे कि पिन नंबर जो चार होता है, जो जो होता है पिन नंबर चार, तो ये देखिए यह पिन नंबर चार हो गया। चार देख रहे हैं कि ऐसे होते हुए जो है यहाँ तक आया हुआ है, और यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस के द्वारा निगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है। पिन नंबर चार जो है कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो निगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है। पिन नंबर चार एक रेजिस्टेंस के द्वारा यह निगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यह निगेटिव लाइन है, ये एक यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस लगा होता है, पहले थोड़ा देर पहले मिला है, और वही निगेटिव सप्लाई देते हैं इस मॉस्फेट के ड्रेन को भी देते हैं, और साथ ही साथ है इस मॉस्फेट को सोर्स को भी देते हैं, और साथ ही साथ जो है इस आईसी के पिन नंबर चार को देते हैं। तो चार को निगेटिव सप्लाई मिला एक रेजिस्टेंस के द्वारा। इसके बाद पिन नंबर पाँच, पाँच जो है सेंस पिन होता है, तो इसके साथ देखिएगा कि एक रेजिस्टेंस निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है, सेंस पिन होता है। तो ये जो है पिन नंबर पाँच के साथ एक रेजिस्टेंस निगेटिव लाइन से जुड़ा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेजिस्टेंस। इसके बाद छः के बारे में भी जानते हैं कि छः जो है खाली होता है, तीन और छः खाली होते हैं। इसके बाद सात, और सात जो है वो फीडबैक होता है, जो अगर मान लीजिए कि पावर सप्लाई से वोल्टेज जो है आवश्यकता से अधिक निकल जाए या कम निकल जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है कि इसके पिन नंबर सात को फीडबैक कि इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसको फीडबैक देते हैं। तो इसके लिए क्या है कि इसको किस प्रकार से मिलता है, थोड़ा देर के बाद हम लोग मिलाएंगे कि सात को किस प्रकार से फीडबैक प्राप्त होता है। और आइए अब आठ के बारे में जानते हैं। आठ जो है इसका निगेटिव पिन है, ये निगेटिव लाइन है, ये जानते हैं कि निगेटिव लाइन है, और ऐसे होते हुए निगेटिव लाइन से जो है जुड़ा हुआ है। आठ जो है निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक डायोड लगा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे कि एक डायोड का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो स्टार्टिंग वोल्ट तो हम लोग देखे कि 300 वोल्ट के लाइन से दो रेजिस्टेंस के द्वारा, 300 वोल्ट के लाइन से दो रेजिस्टेंस के द्वारा इसके पिन नंबर दो को स्टार्टिंग वोल्ट दिया। लेकिन परमानेंट वोल्टेज देने के लिए क्या है कि यह जो है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी, जब एक बार जो है ये जो पावर सप्लाई काम करेगा, तो उसी स्थिति में जो है इसके सेकेंडरी से वोल्टेज आउट होगा। तो इसका सेकेंडरी का एक सिरा देखेंगे कि नेगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है। ये जो सिरा देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट नेगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है, ऐसे होते हुए इस ट्रे को पकड़े हुए आप मिलाइएगा कि ऐसे होते हुए यह लाइन चला गया है सीधे इसके। तो एक सिरा निगेटिव लाइन जुड़ा हुआ है ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी का, और दूसरा सिरा से निकलने वाला वोल्टेज जब ट्रांसफार्मर काम करेगा तब, जब यहाँ पर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी देंगे तब, तो यहाँ से निकलने वाला वोल्टेज एक रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ एक डायोड के द्वारा इसके पिन नंबर दो को अब जो है परमानेंट सप्लाई प्राप्त होगी। जब परमानेंट सप्लाई प्राप्त होगी, तो यह परमानेंट अब आईसी यह काम करना स्टार्ट कर देगा। और इस प्रकार से जब परमानेंट स्टार्ट कर दिया, काम करना स्टार्ट कर दिया, तो इस प्रकार से इस आईसी के पिन नंबर एक से परमानेंट फ्रीक्वेंसी आउट होता है, और वही फ्रीक्वेंसी इसके गेट को चला जाता है काम करने के लिए। और गेट को गया तो ड्रेन से निकल करके इसके इस सिरे को फ्रीक्वेंसी दिए और इस सिरे को वोल्टेज दिए, तो विभिन्न मान का वोल्टेज आपके सेकेंडरी से आउट होगा, इसके पावर सप्लाई के सेकेंडरी से विभिन्न मान का वोल्टेज आउट होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसके सेकेंडरी से आपका वोल्टेज जो है निकल रहा है, सेकेंडरी से वोल्टेज निकलेगा। अब जो सेकेंडरी से जो वोल्टेज निकलेगा, तो इसमें जो है इसको क्या किया जाता है कि इसके वोल्टेज को आगे चल करके कोई एसी निकलता है, एसी को डीसी में करने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि डायोड लगा होगा। तो देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो है दो डायोड के प्रयोग किए गए हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ है, डायोड का यहाँ पर पॉजिटिव सिरा है, तो यहाँ पर से यहाँ से निकलने वाला जो एसी वोल्ट होगा, उसको एसी को डीसी में बदलने के लिए आप देखेंगे कि एक डायोड यहाँ भी लगा हुआ है। तो यहाँ जो डायोड लगा हुआ है, तो वो डायोड देख रहे हैं कि उसका ये जो है निगेटिव सिरा इधर है, और इस डायोड का पॉजिटिव सिरा इधर है। तो यहाँ से निकलने वाला 12 वोल्ट, 12 की सप्लाई जो है आउट होगी, 12 से लेकर 14 वोल्ट की सप्लाई जो है इस जो होम थिएटर है इसके पावर सप्लाई से आउट होता है। तो 12 से लेकर 14 वोल्ट की जो सप्लाई आपको प्राप्त होगी, तो यहाँ से निकलने वाला एसी सप्लाई, यहाँ से यहाँ एक डायोड के द्वारा
डायोड का यहाँ पर जो है पॉजिटिव सिरा है, तो यहाँ पर हमको पॉजिटिव प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमको 12 से 14 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई मिलनी चाहिए। इसके बाद यहाँ से ये ट्रैक देख रहे कि यहाँ पहुँच जा रहा है, यहाँ से यहाँ फिर एक डायोड लगा हुआ और डायोड के इधर निगेटिव सिरा है, तो यहाँ पर हमको निगेटिव सप्लाई प्राप्त होती है। यहाँ पर 12 वोल्ट पॉजिटिव, यहाँ पर 12 वोल्ट निगेटिव, और बीच वाला जो सिरा है, बीच वाला जो टर्मिनल जो देख रहे हैं इस ट्रांसफार्मर का, उसके सीधे ग्राउंड से जोड़ा गया है। ऐसे होते हुए ये ट्रैक देख रहे हैं कि सीधे ये ग्राउंड से जुटा हुआ है। तो यहाँ से निकलने वाला पॉजिटिव सप्लाई, अब देखेंगे कि ये डायोड के द्वारा पॉजिटिव जो आता है वो सीधे चला जाता है यहाँ पर, यहाँ आ जाता है, और यहाँ पर जो आता है तो यहाँ पर एक फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर में देखेंगे कि इधर पॉजिटिव होगा और इधर निगेटिव होगा, और इसके बाद यहाँ से जो निगेटिव सप्लाई जो निकलती है वो निगेटिव सप्लाई ऐसे होते हुए सीधे जो है यहाँ पहुँच जाता है कहाँ, तो यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा होगा उसका, यहाँ पर उस कैपेसिटर का यहाँ पर निगेटिव होगा और यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और दोनों कैपेसिटर के निगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़े होते हैं, और जुड़े होते हैं और कहाँ से जुड़े होते हैं, तो सीधे या ग्राउंड से जुड़े होते हैं। तो ग्राउंड में यहाँ पर जो दो कैपेसिटर लगे होंगे वो दोनों कैपेसिटर के, एक के पॉजिटिव और एक के निगेटिव आपस में जुड़े हुए होंगे, जबकि कैपेसिटर का पॉजिटिव, एक कैपेसिटर का पॉजिटिव इस पॉजिटिव लाइन से जुड़ा होगा, और यहाँ का लगा हुआ जो कैपेसिटर है उसमें देख रहे हैं कि उसका निगेटिव जो है इसके जो है ऐसे होते हुए इसके निगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है। तो आइए इसको चेक करते हैं, चेक कर देखेंगे कि किस पर भी कंटिन्यूटी करेंज में चेक करते हैं, बाद में जो है वोल्टेज देकर के हम लोग चेक करेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ से निकलने वाला पॉजिटिव सप्लाई डायोड के द्वारा वो सीधे जो है इस कैपेसिटर के पॉजिटिव से कंटिन्यूटी बता रहा है, इसके बाद यहाँ से निकलने वाला निगेटिव सप्लाई इस कैपेसिटर के निगेटिव से, और इसके बाद ये जो है कैपेसिटर के, दो कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए हैं, दोनों कैपेसिटर के दोनों सिरे को आपस में जोड़ दिया गया है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को, और जो कि सीधे चले जाते हैं ऐसे होते हुए इस ट्रे को पकड़े हुए सीधे इस ट्रांसफार्मर के बीच वाले सिरे से, जहाँ से ग्राउंड यानी कि निगेटिव सप्लाई लिया गया है, ग्राउंड लिया गया है, जीरो की सप्लाई लिया गया है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर 12 की सप्लाई प्राप्त होगी। यहाँ पर 12 वोल्ट पॉजिटिव, यहाँ पर जो है ग्राउंड, और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट निगेटिव की सप्लाई प्राप्त होगी। तो सप्लाई देकर के इसको चेक करते हैं कि किस प्रकार से है। इसके अलावा एक और चीज़ और समझना, ये चीज़ है कि हो सकता है कि यहाँ से वोल्टेज आपको कम या अधिक निकले, तो अगर वोल्टेज अगर कम या अधिक निकलता है तो उसकी सूचना क्या करते हैं कि उसकी सूचना जो है, अगर मान लीजिए कि यहाँ से 12 वोल्ट से 14 वोल्ट निकलना चाहिए, अगर वोल्टेज आवश्यकता से अधिक या कम निकली, तो इसकी सूचना यहाँ से यहाँ एक जम्पर के द्वारा और विभिन्न पुर्जियों के द्वारा यहाँ पर लगा हुआ फीडबैक में लगा हुआ ट्रांजिस्टर को चलाया जाता है। फीडबैक उस वहाँ की सूचना को ले करके एम्पलीफाई करते हुए उस सूचना को दे देता है यहाँ पर लगा हुआ ऑटो कपलर को, और ऑटो कपलर जो होगा, ऑटो कपलर के इनपुट को जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिला कि इधर से वोल्टेज कम निकल रहा है या अधिक निकल रहा है, तो उसकी सूचना ऑटो कपलर यहाँ से उठा करके और अपने आउटपुट से ले करके यही सूचना दे देता है इस आईसी के पिन नंबर 7 को। हम लोग 7 के बारे में तो पहले ही जान चुके हैं कि 7 जो है इसका फीडबैक पिन होता है, जिसको जो है फीडबैक दिया जाता है कहाँ से, तो आउटपुट से निकलने वाला वोल्टेज की फीडबैक की कितना वोल्ट आउट हो रहा है आउटपुट से, वही सूचना जो है सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर को जाता है। ट्रांजिस्टर उसको एम्पलीफाई करते हुए, एरर को एम्पलीफाई करते हुए, उसे गलतियों को जो है आगे बढ़ाते हुए एम्पलीफाई करते हुए यह जो है दे देता है किसको, तो यहाँ पर लगा ऑटो कपलर को, और ऑटो कपलर से होते हुए चला जाता है यही सूचना पिन नंबर 2 को दे दिया जाता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर ऑटो कपलर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पर कि एक ऑटो कपलर का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ तक हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग सप्लाई दे करके इसकी हम लोग जाँच करेंगे। तो आइए सप्लाई देते हैं, और सप्लाई देने के बाद में इसके जो है हम लोग जाँच करेंगे कि किस प्रकार से इसका पावर सप्लाई की हम लोग जाँच करेंगे। तो पहले हम लोग एसी टू डीसी स्टेज की जांच कर चुके हैं कि एसी टू डीसी स्टेज किस प्रकार से काम करता है, कैसे इसको हम लोग रिपेयरिंग करेंगे। तो एसी टू डीसी स्टेज को ओके कब मानते हैं हम लोग, कि अगर यहाँ पर जो है सप्लाई हमको मिल जाए इस फिल्टर कैपेसिटर पर, पॉजिटिव सप्लाई और निगेटिव सप्लाई लगभग 300 वोल्ट के आसपास मिलनी चाहिए, अगर मिल जाए तो ये मानेंगे कि एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज बिल्कुल सही है। और यही निगेटिव सप्लाई कहाँ दे देते हैं, तो यहाँ का जो है ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यही सप्लाई जो है हम देखेंगे कि यहाँ पर जो अगर फिल्टर कैपेसिटर पर अगर मिल जाता है तो ये मानेंगे कि हमारा एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज बिल्कुल सही है। अब यही सप्लाई में
पॉजिटिव सप्लाई ऐसे होते हुए इस ट्रांसफार्मर के इस सिरे को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देते हैं जो कि हम लोग पहले जान चुके हैं। अब आईसी को देखेंगे कि ये निगेटिव लाइन में मल्टीमीटर के काला तार को रखेंगे, परमानेंट निगेटिव लाइन में मल्टीमीटर के काला तार को रखेंगे। अब आईसी को हम लोग अभी थोड़ा देर पहले भी लाए हैं कि आईसी को स्टार्टिंग वोल्ट भी देते हैं, आईसी के पिन नंबर दो को स्टार्टिंग वोल्ट देते हैं। तो स्टार्टिंग वोल्ट ये 300 वोल्ट का लाइन से यहाँ से एक रेजिस्टेंस के द्वारा सप्लाई हमको यहाँ मिलनी चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर सप्लाई मिल रही है, यहाँ पर सप्लाई जो है हाई वोल्ट का रेजिस्टेंस लगा होता है, देखिए वोल्टेज घट गया, यहाँ मिलेगा। फिर यहाँ से यहाँ होते हुए इस आईसी के कहाँ तो ऐसे होते हुए लगभग 4 वोल्ट की सप्लाई आईसी के पिन नंबर दो को दिया जा रहा है। तो लगभग 4 वोल्ट की सप्लाई जो है हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 4 से 5 वोल्ट की सप्लाई आईसी के पिन नंबर दो को दिया जा रहा है। कहाँ से? तो स्टार्टिंग है सप्लाई जो 300 वोल्ट का लाइन से दिया जा रहा है। लेकिन इसको परमानेंट सप्लाई इस ट्रांसफार्मर, जब ये ट्रांसफार्मर काम करेगा तो परमानेंट सप्लाई यहाँ से एक रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ आता है और आने के बाद में यहाँ से एक डायोड के द्वारा यहाँ पर हमको लगभग 3 से 4 से 5 वोल्ट की सप्लाई हमको मिलनी चाहिए। कहाँ? तो इस आईसी के पिन नंबर दो को परमानेंट काम करने के लिए। इसके बाद गेट पर गेटिंग पल्स निकलता है, एक नंबर से गेटिंग पल्स निकलता है जहाँ के वोल्टेज की जांच नहीं करना। अगर वोल्टेज की जांच कीजिएगा तो उस स्थिति में आपका जो है यहाँ का लगा हुआ मॉस्फेट जो है खराब हो सकता है। थोड़ा सा हम लोग इसके आउटपुट का वोल्टेज की जाँच कर रहे हैं। आउटपुट में वोल्टेज की जाँच में क्या देखेंगे कि ग्राउंड में मल्टीमीटर के काला तार पर रखेंगे। तो ये देख रहे हैं कि ये ग्राउंड है, ये ऐसे होते हुए ये लाइन सीधे चला गया है यहाँ पर, जहाँ पर दो कैपेसिटर के आपस में जो है टर्मिनल जुड़े हुए हैं, दो कैपेसिटर के एक के पॉजिटिव और एक के निगेटिव को आपस में जोड़ा गया है, तो उसको ग्राउंड मानेंगे। तो ग्राउंड में रख रहे हैं मल्टीमीटर के काला तार को परमानेंट, और ग्राउंड में रखने के बाद में यहाँ चेक करेंगे तो हमको जो है 12 से 14 वोल्ट की सप्लाई जो है मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हमको लगभग प्राप्त हो रही है कितने वोल्ट की सप्लाई, तो लगभग जो है 13 से 14 वोल्ट की सप्लाई जो है हमको प्राप्त हो रही है यहाँ पर पॉजिटिव। और यहाँ चेक करेंगे, यहाँ से डायोड का नेगेटिव लगा होता है तो यहाँ पर 12 से लेकर 13 वोल्ट नेगेटिव, देखिए यहाँ पर नेगेटिव शो कर रहा है। तो यहाँ पर 12 से 14 वोल्ट की नेगेटिव सप्लाई और यहाँ पर डायोड का पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 12 से 14 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई। तो पॉजिटिव के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का शो नहीं करेगा, तो समझिए कि यहाँ पर पॉजिटिव शो कर रहा है। और यहाँ पर जो है अगर नेगेटिव शो कर दिया तो समझिए कि यहाँ पर नेगेटिव शो कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर ग्राउंड को छोड़ करके यह दोनों पर चेक करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे मल्टीमीटर के काला तार को नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चेक करेंगे तो हमको सीधे डबल सप्लाई प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सीधे डबल सप्लाई जो है प्राप्त होगी, यानी कि आपका जो है सीधे डबल। अगर 12 हो तो उसमें 24 सप्लाई, 13 हो तो 26 सप्लाई, और अगर 14 हो तो 28 के लगभग आसपास की सप्लाई प्राप्त होनी चाहिए, जो कि प्राप्त हो। अगर हमको सप्लाई प्राप्त हो जाए यहाँ पर 12 वोल्ट पॉजिटिव ग्राउंड और 12 वोल्ट निगेटिव अगर मिल जाए तो मानेंगे कि हमारा पावर सप्लाई बिल्कुल ओके है, बिल्कुल सही है। इसमें किसी प्रकार के छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। और यही सप्लाई जो है फिल्टर करने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है और फिल्टर कैपेसिटर के द्वारा जो है सप्लाई फिल्टर होते हुए यही सप्लाई आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है और आगे लगे हुए जो भी आईसी हो या जो है जो भी कंपोनेंट लगे हुए उनको काम करने के लिए सप्लाई दे दिया जाता है। तो यही है हमारा पावर सप्लाई जो है होम थिएटर का और किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में, पावर सप्लाई के बारे में समझें। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है पावर सप्लाई रिपेयरिंग करने में कुछ जो है सहायता मिलेगी। और हम चाहेंगे कि अगर आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।